Press the bell icon to get the latest updates from GGA. इस बार जब मैं अस्पताल गई, फाइलें लेकर गई, इतनी चनकाई, उसने कोई जवाब नहीं दिया। आंटी, कंटूरिंग मैं करूंगा। आंटी, मैं आई मेकअप कर देता हूँ। हाँ, एक मिनट। I'm really sorry, कुनाल। कात्या, अपना रूटीन तो पूरा कर जा। I'm so sorry, किशन। I know जो मेरे के आज unforgettable, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था। चल कोई नहीं यार, क्या हम ठीक हैं? हाँ, हम ठीक। एक काम कर, तो फुटेज दे। ये ले कार्ड। I'll do it. Come on, Kunal. You can do this. पता नहीं काजल ये सब कैसे करती थी। Looking for this? Here you go. Thank you. वैसे if you want, मैं तुम्हारी contouring कर सकती हूँ। I am anyways better at it. पक्का? पक्का। काजल, तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्या कर रही हो? You know what I mean. मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। वो तो है। उस दिन मैं सही फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं था। वो भी है। And I'm sorry for that. वो तो डेफिनेटली है। There you go. All done. काजल, प्लीज मुझे माफ कर दो। ओ सिली बॉय, वो तो मैंने कब का कर दिया। So, I like your shoes. Thanks. परसों ही खरीदे। You went for shopping? अकेले? हाँ। और किसके साथ जाती मैं? That's a cute dress, by the way. Thanks. किरुबा की है। कल ही deliver. Cool. Katyayani, is that your ringtone? Yeah. Isn't that our girl's song? Huh. Good old days, man. Aniket के बारे में कभी कुछ क्यों नहीं बताया काजल? You were with him for 2 years. और कभी कुछ भी नहीं बोला. I was scared that you'll judge me. मैं जज करूंगी? I mean seriously. You know what? I don't even blame you. I'm a bitch.
garbage too. Well, jokes apart. I miss your drama queen. तुम्हारे बगैर ज़िंदगी में कोई entertainment ही नहीं. Of course, कात्या के बिना सब कुछ अधूरा लगता है नहीं? So, friends? वो क्या है? क्या हो गया? I love you, bestie. Katya. I miss you. ये मीट है ना? छोड़ो. Katya, what are you doing? Leave me. I miss you. I miss you, bestie. God. ये मीट है ना? पापा प्लीज फोन उठाओ प्लीज. सीरियस का क्या है? ये ड्रेस इतनी सस्ती नहीं हो सकती. अरे ट्रस्ट मी, ज़ुम्बा की आउटफिट आर फ्रिकिंग अमेजिंग. But wait, I got you also a headband. मैं भी लेके आती हूँ. अब तुम दोनों का पैचअप कब हुआ? कब कब? काजल, तूने वीडियो देखा? कब है? केशव, you can also join us. नहीं, मैं ठीक हूँ. सब लोगों ने पैचअप कर लिया, बस मैं ही रह गया. इसलिए कह रहे हैं पापा कि किसी को कुछ भी बोलने से पहले ना 100 बार सोच लेना चाहिए. Here you go. Isn't it beautiful? ये भी ज़ुम्बा का ही है. क्या बात है. बहुत सुंदर है, पर इसे पहनते कैसे हैं? मुझे आता है. हे भगवान, प्लीज पापा से बात करवा दो. इसे तो आता होगा ही, श्रुति और श्रद्धा ने सिखाया होगा ना. आखिर छोटी ट्विन सिस्टर्स होने का कुछ फायदा होना चाहिए. अगर पापा जी ने फोन नहीं उठाया तो मैं करूंगा क्या? बस एक बार पापा जी फोन उठा ले यार. I can't take this anymore. Oi! Phone दे. क्या हुआ? तुम्हारा फोन. तुम्हें करना क्या है यार? यार please tell me क्या कर रही हो? बता तो दो यार. Hello. नमस्ते अंकल. मैं कात्यायनी महेश्वरी बोल रही हूँ, केशव के रूम में. तूने पापा जी को फोन किया है? जी अंकल. यार ये मेरा ब्रांड बजवाएगी. शिट. जी अंकल. हाँ, अरे मैं तो उसे यही समझाती रहती हूँ, वो सुनता ही नहीं है. आप जानते हो ना उसे. हाँ अंकल भाई. नहीं नहीं, अब आप चिंता मत करो. हाँ हाँ, कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा. अच्छा पहले आप अंकल मुझे बात बताओ कि आप नोएडा कब आ रहे हो? अरे अंकल अब तो आना बनता ही है. अंकल आप नहीं आए ना तो अब मैं आ रही हूँ आपको लेने के लिए. जी. अच्छा अंकल चलो. हाँ अच्छा वो, हाँ यही है, बात करवाऊँ? ठीक, ये लीजिए पकड़. नमस्ते पापा जी. पापा जी आई एम सो सॉरी. सॉरी पापा जी, सो सॉरी. ओ पापा जी, कात्या से लड़ाई, ओ बस ऐसे ही हो गई थी. अभी नहीं बोला, अभी बोलता हूँ ना, बस अभी बोलता हूँ. हाँ जी पापा जी. हाँ जी नमस्ते. वो थैंक यू, तुमने पापा पर जादू कर ही दिया. मैंने तो पहले ही कहा था
मेरी बात कोई नहीं डाल सकता। पहले सुन लेते तो अच्छा होता ना। कात्या यार, I'm really very sorry यार, I'm so sorry। यार, मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है उस चीज का। I know मेरी वजह से तुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा। I'm really very sorry, please। एक काम करते, मैं तेरे पापा से बात कर लेती हूँ। मेरी बात कोई नहीं डाल पाता। That's a good idea। उसे बात हो गई है। कात्या, सुन, तूने मुझे माफ किया क्या? कब का? अच्छा तो हमारे लवली ऑडियंस का क्या कहना है इस दुख भरे सीन के बारे में? बस एक गुजारिश है कि अब और रोना धोना मत। या, we've had enough for one day। वैसे एक बात है, अगर उस रात मच्छी के ऊपर लड़ाई ना होती ना तो ये सब शुरू नहीं होता। वैसे केशव, उस दिन तूने क्या नाम सजेस्ट किया था? मच्छी वर्सेस पता है मैंने बहुत टाइम से मच्छी नहीं खाई थी। अच्छा कम या काजल, आई गिव यू फिश किसेस, फिर तुम बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। काका छी ऐसे मेरे वाला बेटर है। अच्छा होगा। इसका फोन आ रहा है। ओह, another meeting, another event, another press conference। रुको यार एक मिनट प्लीज। हेलो, who's this? नकुल, who? हाँ जी, आप नोनिया आंटी के बेटे हैं ना? I'm sorry for your loss. भाई क्यों चिल्ला रहे हो? Why are you shouting at me? Problem क्या है? क्या क्या कह रहे हैं लोग नोनिया आंटी के बारे में? कौन सा एपिसोड? हमारी तरफ से कौन सा एपिसोड गया है? काम डाउन नकुल, काम डाउन। मैं एक मिनट चेक करता हूँ। What the? किसी ने हमारे चैनल पे एक स्पेशल टीज़र डाला है। क्या बात कर रही है यार? How is this possible? हम में से किसी ने ना कैमरामैन से बात की है और ना अनुराग से, तो फिर ये किसने डाला है? और हमने तो कुछ शूट किया भी नहीं, तो फिर ये डाला किसने है? आज एपिसोड में क्या जाएगा? आज का एपिसोड कैसे जाएगा? कोई एडिट करने के लिए है ही नहीं। मैं हूँ ना, I know what's supposed to be done। Oh no no no! वो मेरा भाव चला गया। He is no more। उनके जाने से आपको कुछ फील नहीं होगा? देखो बेटा, दुख उसका होता है जो चला जाता है। चल रीजे उतार ले अपने। Look at this।
पति की मौत की खबर पर कोई मेकअप और मजे करता है? हस्बैंड की डेथ की खबर और मैडम बहुत मस्ती में लगी। बड़ी बड़ी लाल बाप, पति की मौत पर खुश है या दुखी? ये औरत है या जल्लाद, अपने पति को इसने ही मारा होगा। ऐसी औरत तो नहीं, तो भारतीय संस्कृति का मजाक बना रही है। वुमन आर अ डिसग्रेस टू द सोसाइटी, दे शुड बी बार्ड फ्रॉम द सोसाइटी। अरे पर नोनी आंटी तो कभी ताला लगा कर कहीं जाती भी नहीं है, फिर आती हूँ। What's that? इस पर तो हमारे नाम लिखे हुए हैं। मेरे प्यारे देसी केस, सुनने में आया है कि तुम्हारे शो ने मुझे बड़ा फेमस कर दिया है। कोई नहीं, लोगों का तो काम ही है कहना, तुम तो जानते हो मैंने उस सब से कोई लेना देना नहीं, पर मेरा बेटा है ना नकुल, उसे बड़ा मुंह खुला रखा है, तो बच्चों उसकी तसल्ली के लिए मैं उसके साथ कुछ हफ्ते अमेरिका जा रही हूँ। तुम लोग मेरी चिंता मत करो, और हाँ अपना ध्यान जरूर रखना, लड़ना बिल्कुल मत। एक और बात, मैंने अपना नंबर चेंज किया है, रिश्तेदार है ना बड़ा तंग करते हैं, बार बार फोन करके, नया नंबर नीचे लिखा है, कॉल करते रहना। टेक केयर माई बेबीज, मेरे बच्चों, तुम्हारी नौनिया। वो चली गई बिना बाय कहे, बिना कुछ कहे, चुपचाप चली गई। मे बी उनके बेटे ने उन्हें फोर्स किया हो, या कोई और मजबूरी हो गई हो। नहीं, वो हमारी वजह से गई है, हमारे उस घटिया शो की वजह से गई है। याद है पिछले साल जब दिवाली पर पापा जी अचानक घर आ गए थे, पूरा घर गंद में था, मुझे तो डांट पिटनी ही थी, फिर नौनी आंटी आई और पापा जी को गोल गप्पे खिलाने के लिए अपने घर ले आई। रिमेम्बर उस रात जब घर का फ्यूज फूक गया था और कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं मिल रहा था, नौनी आंटी इतनी सारी कैंडल्स ले आई रात के 2 बजे, पर सारी रात उन्होंने हमारे साथ बैठ के बातें की। एंड व्हाट अबाउट दैट टाइम जब हम सबको लगा था कि हमारे ऊपर किसी ने जादू टोना किया हुआ है, और नौनी आंटी ने हमारी जान बचाने के लिए हमारी नजर उतारी थी, और अगले 3 दिन तक हमारे घर से वो लाल मिर्च की स्मेल नहीं गई थी। लास्ट नवंबर याद है, मेरा पैर फिसलकर टूट गया था और तुम सब कुत्ते रोज भाग जाते थे, तब नौनी आंटी मेरा ध्यान रखती थी एवरी सिंगल डे। दिस इज रॉन्ग गाइस, आज कुछ बहुत गलत हुआ है। एक औरत जिसने 20 साल तक अपने पति को संभाला, सिर्फ उनका ध्यान रखा, उनको संभाला, उनके साथ ही, और ये सब क्यों? बस इसलिए क्योंकि वो रोई नहीं। पड़ाऊ के जाने के बाद उन्होंने आगे जीने का सोचा, या फिर इसलिए क्योंकि हमने उन्हें फोर्स किया था हमारे साथ 2 मिनट हंसने के लिए? नोनी आंटी डिडंट डिजर्व दिस, उन्हें अपना फोन नंबर बदलना पड़ा, अपना घर छोड़ना पड़ा, just because some idiots on the internet thought that her behavior was not appropriate. वो होते कौन है उनके बारे में ऐसे जजमेंट देने वाले?
सोसाइटी हमारी है ना काजल, हम सेलिब्रिटीज हैं, इसलिए पूरी पब्लिक को हक है कि वो हमारे या हमारे करीबी लोगों के बारे में कभी भी कुछ भी बोल सकते, कुछ भी कह सकते, कोई भी इल्जाम लगा सकते। सारे के सारे चेहरे छुपाकर कमेंट्स लिखते हैं, अपने घरों में बैठकर हमारे घरों को तोड़ते हैं ये लोग, सोशल मीडिया की पावर क्या मिली मिसयूज करते हैं ये लोग। यही तो होती है फेम की कीमत, उन्हें हक है क्योंकि हमने उन्हें हक दिया है। ये हमारे फैंस कम, ये हमारे ब्लैकमेलर्स हैं। अगर कुछ पसंद आए तो हम भगवान, और अगर ना आए तो हम जल्लाद। Then let's take it back. क्या? अगर हमने उन्हें ये हक दिया है, तो हम ये हक वापस ले भी सकते हैं। Because I've had enough. मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। And if this is the price of fame, then I don't want the fame. गाइस अब बहुत देर हो चुकी है। हम जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ प्रेस आ जाती है, लाखों लोग हमारा शो देखते हैं। अब हम कर क्या सकते हैं? हमारा फेमस होना या ना होना हम चूज नहीं कर सकते। हमारे फैंस हैं, हमारा बिजनेस है, हम इस सब में बुरी तरह फंस चुके हैं। देयर इज नो वे आउट, इट्स टू लेट नाउ। इट्स नॉट टू लेट, एक रास्ता है, गायब हो जाए। Let's disappear. And the latest slice of gossip is here. हाल ही में famous हुए reality stars the Desi case गायब हो गए हैं। जो stars अपने जीवन का हर पल पूरी दुनिया के साथ share करते थे, अब अचानक social media से गायब हो गए हैं। उन्होंने अपने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब और बाकी सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिए हैं। उनके लाखों फैंस उन्हें तलाश रहे हैं। सबके मनों में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर देसी केस के साथ हुआ क्या है। इस पर और चर्चा करते हैं ब्रेक के बाद। इस दिस इस दिस मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे जाने के बाद लोग इतने पागल हो जाएंगे। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि लोग हमारे आने से इतने खुश हो जाएंगे। ऑडियंस की याददाश्त बहुत कमजोर होती है, जल्दी हमें भूल जाएंगे। ये क्या है? नोटिस, लीगल नोटिस। एक और, अब तक 15 आ चुके हैं। What do you expect? हमने ब्रांच के साथ डील साइन करी थी, एडवांस भी ले लिया था और खर्च भी कर दिया था। अब जब हम गायब हो गए हैं तो प्रॉब्लम आएगी ना। You know what the real problem is? कबीर का टेक्स्ट आया था, वो हमारे साथ कुछ हफ्तों के लिए रहने आ रहा है। कबीर, as in तेरा छोटा भाई कबीर? पर वो एले से यहाँ क्यों आ रहा है? उसने म्यूजिक छोड़ दिया क्या? She wishes. He is the most annoying person ever. अब आके मेरी जान खाएगा। जान तो पापा जी खाएंगे मेरी। उन्होंने पक्का सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए होंगे। मुझे तो डर लगता है अब उनका फोन उठाने से भी। फोन्स तो मेरे घर से भी आ रहे हैं। पापा, मम्मी, श्रेया, श्रुति सब बारी बारी फोन कर रहे हैं, पर मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही किसी का भी फोन उठाने की। तुम्हें तो सिर्फ फोन आ रहे हैं ना, मेरे पास थ्रेटनिंग मैसेजेस आने शुरू हो चुके हैं। ये सुनो। डियर कात्यायनी, मॉम हाइफन नॉट वेल, प्लीज कॉल बैक एएसएपी। पापा प्रोफेसर है तो मैसेजेस में नोट्स टाइम में लिखते हैं। बट सीरियसली गाइस, अब हम करने क्या वाले हैं? आई एम फीलिंग सो होपलेस। जिस प्रोजेक्ट को मैंने पूरे 2 साल दिए, इतनी मेहनत करी, इट्स गॉन, इट्स ओवर। बीइंग एन एजुकेटर, अ टीचर, अपने लाइफ गोल्स, अपने फ्यूचर प्लान्स,
सब मेरे हाथ से निकल चुके हैं। और मैं बनना आरजे चाहती थी, बन कुछ और ही गई। जिस एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए पुणे टू नोएडा इतना लड़ झगड़ के आई, उसी को क्विट कर दिया। वाओ, तुम सबने तो अपने सपनों को तोड़ा, लेकिन मैंने तो अपने पापा के सपने को तोड़ दिया यार। उनका बेटा इंजीनियर की जगह बंदर बन गया। हाँ, लेकिन क्यूट बंदर। हम सब ये कहाँ फंस गए? हम कब तक चुप चुप कर रहेंगे? जब तक लोग देसी केस के बारे में भूल नहीं जाते, तब तक। तुम्हें ऐसा लगता है कि ये कभी हो पाएगा? Who knows? वैसे कभी सोचा नहीं था ना कि बाहर जाने से भी डर लगने लगेगा। जो सोचा था वो तो हुआ नहीं। तो जो नहीं सोचा है शायद वही हो जाए। लाइफ कितनी अजीब है ना। जिस फेम के पीछे पीछे हम भागते थे, आज उसी फेम से दूर भाग रहे। और उसी फेम ने हमें बदला है। कैसे बन गए थे आ रहा हूं? I know. I felt like a different person. जैसे कि मैं कोई रोल प्ले कर रही हूँ। ऐसा लगा कि वो बेवकूफ सी लड़की मैं नहीं, कोई और ही था। I actually wish कि वो कात्या कोई और होती, because I just became a bitch. That too a भूखी bitch. कुछ खा ही नहीं पाती थी। और मैं भी कितना ज्यादा ऑब्सेस था लाइक्स और व्यूज को लेके। दिन रात सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता था। कुछ भी हो, लेकिन मैं अब कभी ऐसा नहीं बनना चाहता। तो फिर गाइस, I have a confusion. वो क्या? हम भाग किस चीज से रहे? व्यूज से, इस शो से, फेम से, या फिर खुद से? बनाने में हमें बहुत मजा आया। और हमें उम्मीद है आपको हमें देखते हुए भी बहुत मजा आया होगा। और हमसे बहुत सारी गलतियां। बट वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और आपने हमारे सारे एपिसोड देखे ना? आपने सारे एपिसोड लाइक किया ना? सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। सो सी यू इन द नेक्स्ट सीजन। बाय।